वेलकम टू ईशानी वीडियो। अलीशा पनवार का एक नया शो आने वाला है, मेरी गुड़िया, जिसके बारे में आप सबको पता ही होगा। लेकिन अलीशा पनवार से बात की गई नागिन सीजन 4 के बारे में और उनके आने वाले सीरियल के बारे में भी, और उन्होंने कई सारे ऐसे खुलासे किए जिसको सुनकर आप सब चौंक जाने वाले हैं। और सबसे पहले आप ईशानी वीडियोस पर देख रहे हैं सभी खुलासे जो कि अलीशा पनवार की तरफ से किए गए हैं। लेकिन उससे पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें। अलीशा पनवार से सवाल पूछे गए थे उनके आने वाले शो यानी मेरी गुड़िया से रिलेटेड और नागिन सीजन 4 से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उनके शो मेरी गुड़िया से रिलेटेड। तो उन्होंने काफी ज्यादा खुलासे किए हैं, जिसमें से उन्होंने अपने कैरेक्टर के नाम का खुलासा किया और वो शो कैसा होने वाला है उसकी कुछ बातें बताएं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या उन्होंने खुलासा किया था। मेरी गुड़िया से रिलेटेड उन्होंने बोला कि यहां पर वो माधुरी गुजराल का रोल अदा करते हुए नजर आएंगी। और यहां पर उन्होंने ये शो इस वजह से चुना है क्योंकि ये शो जो है ये नॉर्मल मेलोड्रामा से रिलेटेड नहीं है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सुपर नेचुरल पावर से रिलेटेड शो तो है, लेकिन यहां पर एक ऐसी मां नजर आएगी जो कि केयरिंग है और इमोशनल भी है। लेकिन यहां पर जो मेलोड्रामा आपको देखने को मिलता है नॉर्मल सास बहू वाले शो में, वो सब नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर शो के अंदर दिलचस्प बात ये है कि यहां पर क्रीपी और साथ ही साथ यहां पर काफी ज्यादा डरावना भी आपको कभी कभार लगेगा इस शो, क्योंकि इसमें ऐसे ही ट्विस्ट लाए गए हैं जो कि अपनी बेटी को बचाने के लिए और बेटी की रक्षा करने के लिए एक मां पूरी तरह से नेचर से लड़ जाती है और उसके बाद में गुड़िया के अंदर जाकर बस जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जब सवाल पूछा गया अलीशा पनवार से नागिन सीजन 4 के बारे में, तो उन्होंने बताया कि नागिन सीजन 4 को मैंने यहां पर अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, मैंने ना भी नहीं किया है, मैं वहां नजर आ सकती हूं, लेकिन अभी सिर्फ यहां पर सस्पेंस बना के रखी वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसी लगी आपको वीडियो, कितने ज्यादा एक्साइटेड है ये सब सुनकर कमेंट करके जरूर बताना और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू।